ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मूल है, जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और नेक ख्वाहिशात। एक और मेरी नजर से खबर गुजरी, किसी ने भेजा, एक बेचारा लड़का बड़ा मायूस बैठा हुआ था, कहता हारिस भाई मैं क्या करूंगा। तो मुझे कुछ लोगों को पाकिस्तान से जो डिप्रेशन वाले मैसेजेस आते हैं ना, उसमें मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार ये क्या करे बंदा, क्या करे अब। तो उसमें कहता हारिस भाई ये देखें, ये हमारी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है। इट इज बिलीव दैट लाइफ मे हैव बिगन डीप इन द वाटर, स्पेशली इन हॉट स्प्रिंग्स कॉल्ड हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब ये एक थ्योरी है, हालांकि बाकी थ्योरियों पे जो डार्विन की थ्योरी है उसको कह देते तो थ्योरी है, इट्स जस्ट अ थ्योरी, क्योंकि वो इनको रास नहीं आती तो उसको कह देते हैं कि थ्योरी, हालांकि वो एक्सेप्टेड थ्योरी है, ये हालांकि हाइपोथेसिस है, इसके ऊपर ये कोई कंफर्म्ड थ्योरी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में और आपकी अर्ली अर्थ पे प्राइमोडियल सूप था बैरल, तो उसके उसमें लाइफ किसी तरह स्टार्ट हुई। तो उसने वहां पर कुरान की आयत घुसेड़ दी इन्होंने कि अल्लाह हाथ क्रिएटेड एवरी एनिमल, ये वाली आयत खोल दी उन्होंने कुरान की, अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर and of them are those that move on their bellies yani saanp and of them are those that walk on two legs yani insaan ya kangaroo bhi mera khayal guzar do wo nahi Hazrat Muhammad ko pata tha kangaroos kya ho sakte sirf insano ka zikr kar rahe ho and of them are those that walk on four yani char tango wale janwar bhi allah creates what he wills allah is all over all things allah wahi banata hai jo chahta hai aur allah har cheez ke upar qadir hai dekho allah mein bhool gaye अल्लाह मियां स्पाइडर्स को भूल गए जिनकी आठ टांगे होती हैं। देखा कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि अल्लाह में वाकई भूल जाते होते हैं। और यहाँ पे इन्होंने देखो, अब ये ना कोई आप हर चीज का तो नहीं बताएं, इंसेक्ट्स का कहा जा सकता था जिनकी बहुत सारी टांगे हो सकती हैं, अब क्योंकि इन्होंने कहा मूव ऑन देयर बेलीज, जो वो तो हो गए रेंगने वाले जानवर सांप हो गए, दो टांगों पर चलने वाले इंसान हो गए, चार टांगों पर चलने वाले बाकी के जानवर हो गए, मगरमच्छ और शेर चीते हाथी भालू वगैरह। तो आठ कितने गई है, इतने कि मैंने स्पाइडर पे देखी थी, डैडी लॉन्ग लेग लंबी लंबी टांगों वाली, वो किधर गए, सेंटीपेड किधर गए, वो किधर गए जानवर, अल्लाह मियां भूल गए। तो ये ऐसे अल्लाह मियां बैठे बैठे भोंगियां मारते रहते थे, तो इसी तरह की भोंगियां होनी थी। तो बेचारा वो लड़का मुझे ये कह रहा था, ये देखो हमें बायोलॉजी में क्या पढ़ाया जा रहा है, अल्लाह इज एबल टू डू ऑल थिंग्स। तो जहां पे इनको इससे पता चलता बायोलॉजी में क्या इसका काम है, अगर चलो माना ये ना भी भूले होते, और वो तो खैर मैंने ऐसे मखौल कर रहा हूं, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये कैसे साबित होता है, अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर है, असल में जो ट्रांसलेशन है वो फ्रॉम वाटर है, बाकियों की भी, कि अल्लाह ने पानी से बनाया, और ये नहीं कहा कि अल्लाह ने पानी में बनाया, जो प्राइमोडियल सूप था उसके अंदर बनाया, ये नहीं कहा गया। तो लेकिन बस इन्होंने जहां पर घुसेड़ना था वो घुसेड़ दिया, उसने एवरीथिंग ऑफ वाटर यहाँ पे डाल दिया, एवरी एनिमल, ये गलत है, ये कोई भी नहीं बताती है ट्रांसलेशन जो है, लेकिन इन्होंने घुसेड़ मुसेड़ के बीच में घुसाना होता है कि ऑफ वाटर, देखा अल्लाह मियां ने कहा था। तो ये दोस्तों ये बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान में, और ये तो सिर्फ यही एक बुक है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।